क्वेश्चन बैंक का महत्व आप सभी जानते हैं और अपने एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बैंक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न पे आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सही तरीका सही ट्रिक अपनाएंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो आप ट्रेडिशनल तरीकों से चलेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका टर्म वन एग्जामिनेशन, खासकर सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन और यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन, इन सारे बोर्ड्स ने मल्टीपल च्वाइस फॉर्मेट को अपनाया है। अगर हम टर्म वन एग्जामिनेशन की बात करें तो ऐसे में सवाल आता है कि हम इस एग्जाम के लिए खुद को कैसे तैयार करें, कौन से क्वेश्चन बैंक को परचेस करें, कौन से क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करें जिससे कि हम अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर पाएं। क्योंकि आपको सीधा सीधा पता है कि आपका जो ये एग्जाम है इसमें आपका 50% वेटेज होने वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा धार देना है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज मैं आपको एक ऐसे ही क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने वाला हूं जिसको मैंने खुद एनालिसिस किया और मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऐसी क्वालिटीज हैं, इसमें ऐसी बातें आपको बताई गई हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विद्या सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर बात करने वाले हैं विद्या सीबीएसई क्वेश्चन बैंक मैक्स मार्क्स के बारे में। जैसा इसका नाम है दोस्तों वैसे ही इसको डिजाइन भी किया गया है। आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन की हर बारीकी बताई गई है कि एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर होने वाला है, कैसा होने वाला है, किस टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन से आपका सामना आपके सीबीएसई के टर्म वन एग्जामिनेशन में होने वाला है। अगर हम इस पेपर की बात करें, इस क्वेश्चन बैंक की बात करें, तो सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट बताया गया है कि किस चैप्टर से आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारी बातें आपको क्वेश्चन बैंक में बताई गई हैं। अब मैं आपको कुछ इसके ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे, अच्छे तरीके से चैप्टर की समरी आप ले पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैप का डिजाइन किया गया है जिसमें कि आपको चैप्टर के बारे में, अगर मान लीजिए बहुत लंबा चैप्टर है तो उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो इस कॉन्सेप्ट मैप में आपको बताई गई है। आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सारी चीजें, चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई है। दूसरी बात है इसमें क्विक रिव्यू दिया गया है। जैसे मान लीजिए अब आपके पास आपका एग्जामिनेशन नजदीक है तो अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप चैप्टर्स को पढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो इसमें क्विक रिव्यू भी आपको दिया गया है जिसमें आप पूरे चैप्टर का एक रिकैप कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, डिटेल समरी इंग्लिश और हिंदी में, साथ ही साथ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों में ये सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, डिटेल समरी, सारी चीजें आपको इस चैप्टर के क्विक रिव्यू में मिलेगी, क्विक रिव्यू सेक्शन में आपको मिलने वाली है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंड अलोन मल्टीपल च्वाइस टाइप क्वेश्चंस, रीजनिंग असर्शन, ये सारी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं कि आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं और एग्जामिनेशन के लिए हम तैयार होंगे अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगली बात यह है कि जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर इस बार ओएमआर शीट पे होने वाला है, तो आपको आपके लिए ओएमआर शीट्स भी यहां पर दी गई है जिसमें कि आपको पीरियोडिक टेस्ट सैंपल पेपर के फॉर्म में आपको दिए गए हैं। पर आपको ओएमआर इसलिए प्रोवाइड की गई है कि आपका पेपर इस बार ओएमआर शीट पे होने वाला है, तो आप एग्जामिनेशन पैटर्न से घबराए ना और ओएमआर शीट पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाए। देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ पाएंगे, और यहां पर आपको पता है कि मल्टीपल च्वाइस फॉर्मेट पे आप पेपर देने वाले हो, तो आपको बहुत जल्दी से क्विकली आपको पेपर सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स और कौन सी गलतियां आप एग्जामिनेशन में करोगे, ये सारी बातें आपको इस सैंपल में बताई गई है, इस क्वेश्चन बैंक में आपको बताई गई है। आप यहां पर जाकर के इन सारी चीजों को देख सकते हैं।
अगली बात है कि एग्जामिनेशन में आप कितने तैयार हैं, ये बात हमें पता चलती है जब हम अपनी टेस्टिंग करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी दिए गए हैं। इस पीरियोडिक टेस्ट पेपर में आपके जो सिलेबस को बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया है ताकि आप पेपर के पैटर्न को समझ पाए और एग्जामिनेशन में आप अपने घर बैठे ही तैयारी कर पाए, ताकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको नर्वसनेस ना फील हो, ऐसा ना लगे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न न्यू है तो आप चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। अगली बात का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमें कंप्लीट चैप्टर का जो टेस्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, कि हमने जो पढ़ाई की, हमने सिलेबस को जो प्रिपेयर किया, हम उस सिलेबस में कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कैसे हम अप्रोच क्या लगा पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको दिए गए हैं जिसमें कि आप पूरे एग्जामिनेशन का ओवरव्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको 3 सैंपल पेपर्स यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं और 2 अनसॉल्व सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ इंक्लूडेड OMR शीट्स हैं, यहाँ पर जाकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सैंपल पेपर के जितने भी एडवांटेजेस हैं, इस क्वेश्चन बैंक के मैक्स मार्क्स सीरीज के जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप इनका लाभ उठाएंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए आप इनसे अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसकी एनालिसिस कर रहा था, मैं देख रहा था आप लोग बार बार पूछते हैं सर कोई क्वेश्चन बैंक बताइए, कोई सैंपल पेपर बताइए। बात यह है कि एक बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है और इसकी जो पैटर्न है वो पूरे लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस सैंपल पेपर का ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जा करके ऑनलाइन vidyaprakashan.com की वेबसाइट से भी, amazon.in से, flipkart से, snapdeal से, इन सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ज्यादा इसको लाभ लेंगे आप और अपने एग्जामिनेशन की आप अच्छी तैयारी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस क्वेश्चन बैंक का आप ज्यादा लाभ उठाएंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे है।